हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल जी। आज चलेंगे सेवेंथ क्लास में, चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे वसंत किताब का, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके रचयिता हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी। तो पहले बच्चों कवि के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन जी एक बहुत ही अच्छे कवि थे, प्रख्यात कवि थे अपने समय के। सन 1915 में उनका उन्नाव जिले उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था और सन 2002 में उनकी मृत्यु हुई। इस बीच 1950 में उन्हें पीएचडी की उपाधि मिली, उन्होंने एमए पीएचडी की पढ़ाई की है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं और साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अतुलनीय योगदान दिया है। और जितने भी बड़े बड़े पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, पद्म भूषण, विभूषण, बहुत सारे पुरस्कारों की फेहरिस्त उनके नाम पे चढ़ी हुई है। तो ये कविता जो है ना बच्चों, कविता क्या होती है, सिर्फ एक कपोल कल्पना नहीं होती। कविता के माध्यम से कवि समाज की, देश की, दुनिया की, राजनीति की, कुछ भी मनोव्यथा को अपनी वो व्यक्त करता है अपने शब्दों के माध्यम से। और कविता अपने अभिव्यक्ति के माध्यम का बहुत ही सरल, सीधा, स्टीक माध्यम है, जिसके द्वारा बहुत बड़ी बड़ी बात भी बहुत आसानी से, बहुत अफेक्टिव, बहुत प्रभावशाली तरीके से कवि जो है वो सामने वाले के सामने रख देता है। तो जो ये कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसमें एक पंछी की व्यथा को दिखाया गया है कि प्रतंत्रता एक अभिशाप होता है। मतलब हम किसी के प्राधीन हैं, हम पिंजरे में कैद हैं, हम मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, शारीरिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, तो हमारा बौद्धिक विकास जो है वो असंभव है, नहीं हो पाएगा। तो एक पंछी के माध्यम से कवि ने मनुष्य प्रतंत्रता को यहाँ प्रतीक के माध्यम से दिखाया है। तो आगे हम कविता की व्याख्या में समझाएंगे कि क्या क्या इसमें है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं कविता की व्याख्या। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पहले शब्दों के अर्थ बता देती हूं आपको। उन्मुक्त होता है आजाद, स्वतंत्र, गगन होता है आकाश, पिंजर बद्ध होता है पिंजरे में बंद, कनक होता है सोनिया, तीलिया मतलब सलाखें, पुलकित मतलब कोमल। ठीक है, कवि क्या कहता है, कवि कहते हैं कि पंछी बोल रहे हैं कि हम तो आजाद गगन के पंछी हैं, हम स्वतंत्र आकाश के पंछी हैं, हम पिंजरों में बंद रहकर नहीं गा सकते। और सोने की जो सलाखों के पीछे हमें बंद किया गया है, यानी सोने के पिंजरे में हमें बंद किया गया है, इन पिंजरे की तीलियों से टकराकर हमारे कोमल कोमल पंख जो है वो टूट जाएंगे। कहने का भाव क्या है कि कोई भी मनुष्य कभी भी प्रतंत्रता के अधीन नहीं रह सकता, प्रतंत्र रहकर उसका समस्त विकास बंद हो जाता है, टूट जाता है, वो बिखर जाता है। तो कोई भी व्यक्ति दास्ता की बेड़ियों को तोड़ना चाहता है, उनसे बाहर आना चाहता है। आगे क्या कहता है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। आगे पंछी क्या कहता है कि भाई हम तो बहता जल पीने वाले हैं, झरनों का, नदियों का, समुद्र का, बारिश का, हम बहता पानी पीने वाले हैं, हम भूख प्यास से मर सकते हैं, लेकिन हमें सोने की कटोरी जो पिंजरे में रखी हुई है, सोने की कटोरी की मैदा जो पिंजरे में रखी है, उससे हमें कहीं भली स्वाद लगती है, जो बाहर स्वतंत्र पेड़ पे जो निम्बोरी लटकी हुई है वो कड़वी है चाहे भले स्वाद में, लेकिन वो हमें कहीं मीठी लगती है। किससे मीठी लगती है, उस मैदा से जो सोने के पिंजरे के अंदर रखी हुई है। कहने का मतलब यह है कि हम रूखी सूखी खाकर गुजारा कर सकते हैं, पर किसी के अधीन रहकर कभी भी कार्य नहीं कर सकते। आगे क्या कहता है कवि, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। स्वर्ण का मतलब होता है सोना, और फुनगी का मतलब होता है जो पेड़ के ऊपर जो शाखाओं, नई नई शाखाएं आती हैं उनको, सबसे ऊपर वाली शाखा को फुनगी बोलते हैं। कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, कि सोने के पिंजरे में बंद होकर हम अपनी गति और उड़ान सब भूल चुके हैं, यानी हमें कैद कर लिया गया है। तो जब हम कैद ही हो चुके हैं, हम कैसे उड़ान उड़ सकते हैं, हम कैसे गाना गा सकते हैं, हम अपनी उड़ान, गाना, गति, उड़ना फिरना सब भूल चुके हैं। सिर्फ हम सपनों में ये देख पा रहे हैं कि हम पेड़ के सबसे ऊपर, पेड़ के शिखर पे जो शाखाएं हैं उन पर बैठकर हम झूल रहे हैं, ये सिर्फ हमारे स्वप्न में रह गया है। तो कहने का भाव यह है कि प्रतंत्र व्यक्ति है वो सिर्फ स्वप्न ले सकता है, वास्तविकता के धरातल पर उन स्वप्नों का कोई महत्व नहीं है। यानी
वास्तविक में तो वो प्रतंत्र है, वो सोने की सलाखों के अंदर कैद है, तो वो कैसे अपने कुछ कार्य कर सकता है, वो अपना कैसे विकास कर सकता है। आगे देखिए क्या कहता है कवि, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुभते तारक अनार के दाने। क्या कहता है पंछी? पंछी कहता है कि हमारे तो अरमान ऐसे थे कि हम उड़कर आकाश की सीमा पर पहुंच जाना चाहते थे। आकाश कितना विशाल होता है, लेकिन हम इतनी मेहनत करते, हम उड़ते, हम परिश्रम करते और उस आकाश की सीमा को छू लेते, और आकाश में जो लाल छोटे छोटे से दाने दाने जैसे तारे हैं उनको हम अपनी लाल चोंच से चुग डालते, मतलब हम मेहनत करके अपनी जीवन की समस्त ऊंचाइयों को हासिल कर लेते। आगे देखिए क्या कहा है कवि ने, होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। पहले तो शब्दार्थ बता देती हूँ, सीमाहीन का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, अनंत। क्षितिज, क्षितिज एक काल्पनिक बिंदु होता है बच्चों, जहां आकाश और धरती मिलते हुए प्रतीत होते हैं। एग्जैक्ट वो कभी मिलते नहीं है, लेकिन मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो उस पॉइंट को, उस काल्पनिक बिंदु को हम क्षितिज कहते हैं। पंछी कहते हैं कि सीमाहीन क्षितिज से, मतलब हमें पता नहीं है कि क्षितिज की सीमा कहां तक है, क्षितिज से हम पंखों की होड़ा होड़ी करते हैं, मतलब हम उड़ के उस क्षितिज तक पहुंच जाना चाहते थे, या तो हमें वो क्षितिज मिल जाता या हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते, या तो हम इतनी मेहनत करके उस क्षितिज तक पहुंच जाते, उस बिंदु तक पहुंच जाते जहां सूर्य धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, या तो हम अपनी मंजिल को पा लेते या हमारे मंजिल को पाने के उसमें हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते, यानी हम सब कुछ दांव पे लगाकर अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं। ये देखिए जो आखिर की चार लाइनें हैं, इनमें इस कविता का सार छिपा हुआ है, हमारे जीवन का सार छिपा हुआ है, हमारे स्वतंत्र रहने का सार छिपा हुआ है। अब आप देखिए, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। क्या कहता है कवि? पक्षी कहते हैं कि हमें टहनी मत दो, हमें घोंसला मत दो, नीड मतलब होता है घोंसला, टहनी, आश्रय छिन भिन कर डालो, चाहे हमारा घर तोड़ फोड़ डालो आप, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। लेकिन अगर उड़ने के लिए हमें पंख दिए हैं परमात्मा ने, प्रभु ने, उस प्रकृति ने, तो हे मनुष्य, हमारे उस आकुल उड़ान में, हमारे उस उन्मुक्त उड़ान में, हमारे उस अंतहीन उड़ान में आप विघ्न मत डालो। कहने का तात्पर्य यह है कि हम प्रतंत्र रहना नहीं चाहते, हम स्वतंत्र रहकर, आजाद रहकर विचरण करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, अपने सपनों को जीना चाहते हैं, और अपने जीवन में जो कुछ भी हम चाहते हैं उसको पाना चाहते हैं। तो स्वतंत्रता एक अनमोल चीज है जिसका कोई मूल्य नहीं है। प्रतंत्र व्यक्ति का, समाज का, देश का कोई भी विकास नहीं हो सकता जब तक कि वो मानसिक और शारीरिक बौद्धिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। तो ये था कविता का सार बच्चों, और अगले वीडियो में हम इसकी कविता की एक्सरसाइज करेंगे, कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे, इसके कुछ जो भावार्थ है वो करेंगे, और कुछ मुश्किल शब्दों का मैं आपको अर्थ बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।